विश यू हैप्पी न्यू ईयर। विधिवत पूजा अर्चना के साथ चार दिवसीय मानधाता बालाजी मेले का हुआ शुभारंभ। टाइगर हिल स्थित मानधाता बालाजी मेले का शुभारंभ विधिवत पूजा अर्चना के साथ चोला चढ़ाकर किया गया। विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष महेश जिंदल ने समिति सदस्यों के साथ बालाजी की पूजा की। इस दौरान मांगीलाल गोजर, कृष्ण मुरारी चतुर्वेदी, मनमोहन अजमेरा, सर्वदमन शर्मा, लोकेश सुमन, मुकुट शर्मा, संजय पांडे, टीकम कहार व अन्य लोग मौजूद रहे। 3 जनवरी को मंदसौर के आचार्य द्वारा मानदाता बालाजी का श्रृंगार व चोला चढ़ाकर पूजा अर्चना कर आरती की जाएगी व 4 जनवरी को साय तक कोविड-19 प्रोटोकॉल को ध्यान रखते हुए श्रद्धालु मानदाता बालाजी के दर्शन कर सकेंगे। मानदाता बालाजी परिसर में मेला आयोजन के संबंध में जिला प्रशासन एवं आयोजन समिति के बीच बैठक आयोजित की गई, जिसमें 1 से 4 जनवरी तक जिला प्रशासन द्वारा तय की गई व्यवस्थाओं पर सहमति बनी। जिला कलेक्टर रेणु जयपाल ने बताया कि आयोजन समिति द्वारा बैठक में मेला आयोजन नहीं करने पर सहमति व्यक्त की तथा आवागमन व्यवस्थाओं पर भी सहमति जताई। बैठक में हुए निर्णय के अनुसार 1 से 3 जनवरी तक एक दिन में केवल एक ही गाड़ी को पहाड़ पर ले जाने की अनुमति होगी, जिसमें अधिकतम 5 व्यक्ति हो सकेंगे। 4 जनवरी को 4 वाहनों की अनुमति होगी। पैदल आवागमन के लिए जैत सागर के निकट बनाए गए रास्ते से ही आने जाने की अनुमति होगी। पुलिस अधीक्षक जय यादव ने बताया कि आम रास्ते में से किसी भी प्रकार का आवागमन नहीं हो सकेगा। नव वर्ष के पहले दिन मानदाता बालाजी के मंदिर पर दर्शन करने के लिए पैदल भक्तों का लगा रहा तांता। दर्शन करने के लिए बच्चे, बूढ़े और महिला व पुरुष उबड़ खाबड़ रास्ते से मानदाता बालाजी के दर्शन के लिए टाइगर हिल पहाड़ी पर पहुँच रहे थे तथा भक्तों में दर्शन के लिए बड़ा उल्लास था। मानदाता बालाजी परिसर, तलहटी व सड़क मार्ग पर प्रशासन व पुलिस मुस्तैद रही।
आनंद सेल्स जो लाए हैं बूंदी में सभी प्रकार की साइकिल व इलेक्ट्रिक ई बाइक साइकिलें जो चले पैडल व बैटरी से, वो भी 7 पैसे पर किलोमीटर व लो मेंटेनेंस और प्रदूषण रहित। आनंद सेल्स कुड़ोस स्कूल के पास नैनवा रोड बूंदी। दर्शन जो है आपका अपना विश्वास।